हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टूलिप स्लीव का ड्राफ्टिंग करना सिखा रही हूँ, जिसको ओवरलैप स्लीव भी बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें बेसिक स्लीव चाहिए, जो ये सिंपल स्लीव है उसका ड्राइंग चाहिए। और ये ड्राइंग करने से पहले हमें स्लीव के ये आउटसाइड हमें 1.5 इंच छोड़ना है। ये आपकी चॉइस रहता है, आप कितना इंच छोड़ के 3-4 इंच तक छोड़ सकते हो। यहाँ मैं 2 इंच का छोड़ रही हूँ। पहले 2 इंच पे मैं मार्क करके ले रही हूँ ये फोल्ड से 2 इंच। उसके बाद ये जो स्लीव है जैसे है वैसे ड्रॉ करके ले लूंगी। यहाँ से ये इस तरह से ये सीधा ड्रॉ करना है। अभी यहाँ जितना हम बाहर गए यहाँ भी इतना ही हमें दूसरी साइड जाना है। जैसे मैंने यहाँ 2 इंच तो यहाँ भी मैं 2 इंच। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 1.5 इंच आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे। और फिर यहाँ से इस तरह से ये पेटल का शेप देना है। ये हो गया ट्यूलिप स्लीव का ड्राफ्टिंग। अभी कटिंग करने का तरीका, अभी ये जो हिस्सा है यहाँ भी आप मार्क करके ले लीजिए। और ये दोनों मार्क एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से इसका स्टिचिंग आएगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर आएगा तो आपका ये जो बेसिक स्लीव रहता है इसके ऊपर रख के देखना है, इसके जितना ही आना चाहिए उतना ये ओवरलैप होता है। ये ऐसे रख के इसके ऊपर रख के देखना है कि बराबर है कि नहीं। और ये हिस्सा भी आपको कट करना है। ये फ्रंट के लिए आएगा और ये बैक के लिए है। कभी कभी इसी स्लीव में एक साइड यहाँ से गैदर्स रहते हैं इधर, तो अगर आपको गैदर्स देना है तो इसको आपको कटिंग करना है। वैसे मार्क डालना है, ये ऐसे ही मैं दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके लेती हूँ। ये सिंपल ट्यूलिप स्लीव तैयार है। अभी हमें गैदर्स वाला अगर ट्यूलिप स्लीव करना है तो उसके लिए मैंने अभी हर कट के बीच में हमें 1/2 इंच या 3/4 इंच छोड़ के ऐसे स्प्रेड करना है। नीचे का हिस्सा मैं पहले ये करूँगी, फिर इसके बाद इसे स्प्रेड करूँगी। इसको पहले फिक्स करती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से एक एक को स्प्रेड करूँगी। हर एक कट में एक जैसा ही डिस्टेंस चाहिए। यहाँ मैं 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ रही हूँ। जब मैं यहाँ चिपकाती हूँ तो यहाँ एक भी चुन नहीं है, इसका मैं ध्यान रख के ही मैंने चिपकाया है। अभी इसका कटिंग करेंगे, जैसा है वैसा कटिंग करेंगे। इसमें मैंने मार्जिन लिया है पहले ही। जब यहाँ हम इस तरह से इधर गैदर डालेंगे तो वो पहले जितना शेप आएगा। एक ही साइड ये ऐसे रहता है, यहाँ सिर्फ गैदर्स रहेंगे। और यहाँ हमें पाइपिंग करना है ये फिनिशिंग के लिए, या आपको डबल कपड़ा लेके पलटी करके लेना है। तो इस तरह से ये दो टाइप का मैंने ट्यूलिप स्लीव यहाँ दिखाया है, एक सिंपल वाला और एक ही साइड में गैदर्स आने वाला। ये जब सिंपल वाला करते हैं तो भी एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद आपको चेक करना रहता है कि ये इतना ही है कि नहीं, उसके बाद ही ये स्टिच करना है। ऐसे ही इसको भी गैदर्स देने के बाद इसके ऊपर लगा के उसके बाद ये चेक करना रहता है। इस तरह से ये ट्यूलिप स्लीव का ड्राफ्टिंग तैयार है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।